वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुए की भुर्जी। यहाँ पर मैंने बथुए को धोकर पानी से अच्छे से निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने बर्तन में पानी चढ़ाया है गर्म करने के लिए। इसमें मैं बथुए को डाल दूंगी। ये मैंने बथुए को पानी में बॉईल होने के लिए डाल दिया है। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए बॉईल करूँगी। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया पत्तों ने। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। देखिए बथुए के पत्तों को मैंने स्ट्रेन कर लिया है पानी में से। इसे मैं अब 4 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की जड़ें हैं, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, इन सब के साथ ग्राइंड कर लूँगी बिना पानी के। मैंने बथुए को ग्राइंड कर लिया है। मैंने एक बड़ी कढ़िया ली थी बथुए की, जो अंदाजन 4 कप होंगे पत्ते उसके, जो बॉयल हो गए ग्राइंड होने के बाद 2 कप्स रह गए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है पीसते वक्त। यहाँ पर मैंने बर्तन में 2 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है वो डालूँगी। लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए लहसुन ब्राउन होना शुरू हो गया है। वो ऑरेंज में बच्चों को जो ग्राइंड किया था वो डाल दूंगी। अब इसमें नमक जाएगा। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। इसे हल्की आंच पर 1 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए बथुए की भुर्जी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे लहसुन के साथ गार्निश किया है, असली घी डाला है इसके ऊपर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।